अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, हम लोगों को आज ये टॉपिक पढ़ना है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये मान लीजिए ये पृथ्वीकारी तल है जो दो माध्यमों को अलग करता है। ऊपर मान लीजिए कि हवा है और इस लाइन के नीचे मान लीजिए कि जल है, तो ये जो रेखा खींचे हैं इसे पृथ्वीकारी तल कहेंगे, क्योंकि ये वायु और जल दोनों को अलग करता है। ये अभिलंब हो गया, ये किरण आ रही है इसे आपतित किरण कहेंगे, जो किरण दूसरे माध्यम में जा रही है उसे अपवर्तित किरण कहेंगे। ये इस पर लंबवत काल्पनिक रेखा खींचा गया है जिसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहलका नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, इसे आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम है किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। इसे लिखते हैं साइन आई बटे के साइन आर इक्वल टू नियतांक। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बटे के साइन आर इक्वल टू नियतांक।